लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के पुलिस लाइन के मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मधुवन विधानसभा के विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने ध्वज फहरा कर किया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, साथ ही वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपद के पुलिस कर्मियों सहित स्कूल के छात्र छात्राओं को वन एवं पर्यावरण मंत्री ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कोरोना काल में साहस और वीरता का परिचय देने वाले कोरोना वॉरियर के त्याग की सराहना करते हुए इन कोरोना वॉरियर्स के सहयोग को राष्ट्रहित में अतुलनीय योगदान बताया। साथ ही भाजपा में शामिल वरिष्ठ IAS अरविंद शर्मा द्वारा जनपद से मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस फिर से चलाए जाने एवं मऊ से दिल्ली के लिए नई ट्रेन दिए जाने पर मऊ जनपद वासियों को बधाई दी। मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे जनपद वासियों को बधाई देना चाहता हूं। यहां के मैं तो नमन करता हूं पूरी धरती को, यहां के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत सारी कुर्बानी भी दी। यहां तमाम मनीषी शहीद पैदा हुए और खास करके मैं जनपद वासियों को बधाई सुनाते हुए देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोरोना काल में यहां के लोग, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी से लेकर के जिस तरीके से पत्रकार और तमाम सारे समाजसेवी संस्थाओं ने मिलकर के सामूहिक रूप से कोरोना काल में, मंत्री जी ऐसा है मेरे विचार से, विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विचार से कि जब भी कोई काम होता है उसका स्वागत करना चाहिए। उससे कल किसी प्रेस के लोगों ने पूछा, जो आप सवाल कर रहे हैं जी, जब मैं पार्लियामेंट में था तो मऊ आनंद विहार नई ट्रेन मैंने जनरेट किया था, करवाया था उस समय जब टर्मिनल का मैंने शिलान्यास कराया था, उसी समय ठीक है COVID-19 में ये बंद हो गई। और मैं तो कहता हूँ अरविंद शर्मा के प्रयास से जो ट्रेन का संचालन पुनः COVID-19 के बाद शुरू हुआ है उसका सबको बधाई देना चाहिए। और हम लोग मिलकर के, क्योंकि अरविंद शर्मा जी सीनियर IAS अफसर रहे हैं प्रदेश सरकार में और भारत सरकार में उनका काफ़ी लंबा अनुभव है, इसलिए इस मऊ के विकास में अरविंद शर्मा जी का पूरा हम लोग फायदा लेंगे।